हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल ऑल इन वन ज्ञान ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे आलू मेथी की रेसिपी। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छी तरीके से छील कर वॉश कर लिया है। अब इसे हम बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे। मेथी हमारे हेल्थ के लिए अमृत के समान है। हमारे सेहत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मेथी वेट लॉस से लेकर डायबिटीज़ तक कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमने आलूओं को कट कर लिया है। पैन में हम सरसों का ऑयल डाल दिए हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, ज़ीरा और हींग डालेंगे। ज़ीरा को चटकने देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन, ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देंगे। इसे हम कुछ सेकेंड्स भूनेंगे। इन्हें हमें गोल्डन नहीं करना है। इसी समय हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने लाल मिर्ची और हरी मिर्ची को कट करके रखा है, इसे भी डाल देंगे। यहाँ पर लाल मिर्ची को पहले हमने नहीं डाला है। पहले डालने से मिर्ची जो है काली पड़ जाती है। यहाँ पर इसका फ्लेवर इसमें बना रहे, इसलिए हमने यहाँ पर बाद में ऐड किया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आपको कम ज़्यादा पसंद हो तीखा। आलूओं को भी डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम आलूओं को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इसे लगातार चलाते हुए भून लिया है। इसमें हम नॉर्मल से मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन्हें भी हम मिक्स करेंगे भूनते हुए, ताकि मसाले भी हमारे अच्छी तरीके से भून जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज को आसानी से देख सके। यहाँ पर हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें इसी समय टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, ताकि आलू हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। कवर करेंगे और उन्हें हम पकने देते हैं। जब तक आलू हमारा पक रहा है, तब तक हम मेथी के पत्तों को भी बारीक कट कर लेते हैं। यहाँ पर इसे हमने अच्छे तरीके से वॉश करके ले लिया है। ये एकदम सॉफ्ट वाले पत्ते हैं। इसके डंठल भी एकदम सॉफ्ट है। अभी इसे हमने गार्डन में उगाया हुआ है। जल्दी में इसे हमने पहली बार ही तोड़ करके ले आया है। एकदम सॉफ्ट इसके पत्ते हैं ये। इसे हम इस तरीके से बारीक कट कर लेंगे। पत्तों को धो करके अच्छी तरीके से सुखा लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से आप आलू मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे तो ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं लगेगी और बच्चे भी इस सब्ज़ी को मांग मांग कर खाएंगे। यहाँ पर इसे हमने कट कर लिया है। एक बार सब्ज़ी को हम चला देते हैं। बीच बीच में इसे हम चलाते हुए आलू को अच्छी तरीके से हम पकने तक पका लेंगे 90%। यहाँ पर अभी ये पका नहीं है, इसे हमने चेक किया। अब फिर से कवर करेंगे और इन्हें हम 90% तक पका लेंगे। यहाँ पर आलू हमारा पक कर के रेडी हो गया है। चला देते हैं। अब हम इन मेथी के पत्तों को डाल देंगे जो हमने कट करके रखा है। मिक्स करेंगे। इन्हें हम भूनते हुए मिक्स करेंगे। इन्हें हमें ढकना नहीं है, इसे हम ऐसे ही खुला ही पकाएंगे। मेथी के पत्ते बहुत सॉफ्ट हैं, जल्दी से ही पक जाते हैं। बहुत टाइम नहीं लगता है इन्हें पकने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हमने 2-3 मिनट भुना है। भूनते भूनते ही पत्ते हमारे एकदम गल गए हैं। इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे। अभी नहीं, हम बीच बीच में चलाते हुए 1-2 मिनट और पका लेंगे, ताकि पत्ते हमारे
और भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर के तैयार होती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें टमाटर भी ऐड किया हुआ है। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर चटपटी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सब्ज़ी भी हमारी सूख गई है। तो आलूओं को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू भी हमारा अच्छी तरीके से पका हुआ है, सब कुछ अच्छी तरीके से पक कर के रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। इसे आप पूरी पराठा रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये सर्व करने के लिए रेडी है। बिना कड़वाहट की आलू मेथी की सब्ज़ी झटपट से बन करके रेडी हो गई है। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।